हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन, ठीक है। और ये हम कवर करेंगे टोटल 9 वीडियोस में, और हर एक वीडियो आपकी 15 टू 20 मिनट्स की होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 आवर्स में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज के साथ साथ हम देखेंगे उनका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट मतलब कि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कोई चीज़, कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो उसमें किस टर्म का क्या मतलब है, उस फॉर्मूला में जो भी चीज़ लिखी है उन हर एक चीज़ का मतलब देखेंगे क्या है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप वो कर पाएँ, ठीक है। और थर्ड हम देखेंगे अगर कोई इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये सारा हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे, फालतू किसी भी एक्टिविटीज़ में, किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, ताकि अलग से किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट्स में डालिए, ताकि उनके सेपरेट वीडियो हम बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम सब फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक का मतलब है जो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके लिए शेयर फोर्स इज ऑलवेज जीरो। देखिए, जो आपने पढ़ा होगा वो ये था, ये मान लीजिए आपका बाउंड्री है और ये लेयर्स हैं फ्लूइड की, ठीक है। तो जब भी ये फ्लो करेंगी, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही हैं, तो ये वाली जो ऊपर वाली जो लेयर है और नीचे वाली जो लेयर है, इनके बीच में शीयर फोर्सेस जनरेट होगा। इस लेयर के बीच में और इस लेयर के बीच में होगा, मतलब कि हर एक लेयर के बीच में शीयर फोर्स जनरेट होगा। बट अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो कोई शीयर फोर्स नहीं होगा। फ्लूइड्स ओनली शो रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव लोड, मतलब कि शीयर लोड जैसे ही लगेगा तो मूव करने लगेगा। इनका सिर्फ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंप्रेसिव लोड को होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पानी भर दिया किसी जग में और ऊपर से आपने इसको कवर अप करके और यहाँ से पुश करना स्टार्ट करेंगे तो ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो सिर्फ कंप्रेसिव लोड्स को रेजिस्ट करता है। कंप्रेसिबिलिटी आप बीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो कि 1/k होता है और k हमारा बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है आपका? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब है कि हर डायरेक्शन से सेम स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है और वो आपका टेंसाइल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केस में फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि फ्लूइड हमारा, तो कंप्रेसिव आएगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डीपी और स्ट्रेन जो आपका है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाय वी, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस वी डीपी बाय डीवी। इसी तरह आपका जो कंप्रेसिबिलिटी है 1/k है, तो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, माइनस डीवी बाय वी इंटू डीपी, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये जो टर्म आपकी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी वी बाय वी को आप लिख सकते हैं डी रो बाय रो, ठीक है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में या फिर कोई और आपका पर्टिकुलर कोई टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि डायमेंशन चीज़, लीनियर डायमेंशन जो डिस्टेंस को मेजर करें, उस टर्म में आप वॉल्यूम को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मास क्या होता है आपका? मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है, रो इंटू वी। तो यहाँ से अगर मास आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो अगर v बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। तो माइनस जो टर्म है, जैसे ही ये चेंज v का नेगेटिव हुआ तो डेंसिटी का चेंज पॉजिटिव रहेगा, बट ये दोनों एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो आप इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
आपका के जो है उसको आप रो इंटू सी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। सी जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन दैट गिवन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हर मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। तो जिस मीडियम के लिए आप निकाल रहे हैं बल्क मॉड्यूलस, उसी मीडियम में आप स्पीड ऑफ साउंड लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज एयर इज जनरली 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है आपकी मैक नंबर, जो कि अगर लेस देन 0.3 हुआ तो आपका फ्लूड इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाएगा। इनकम्प्रेसिबल सिंपल सा मतलब है जो कंप्रेस ना हो पाए, ठीक है। मैक नंबर देखते हैं क्या होता है, V डिवाइडेड बाय अंडर रूट के बाय रो, ठीक है। के बाय रो तो आपको पता ही है, ठीक है। और यही के बाय रो जो चीज़ है अंडर रूट वाली, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम कहते हैं। और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और फ्लूइड इन दैट मीडियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आपका बल्क मॉड्यूलस इंक्रीज करेगा और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि आपने बीटा का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था, बीटा, ठीक है, ये आपका क्या है, 1/k है, और यही आपका डी रो बाय रो इन बाय डी पी है, चेंज इन डेंसिटी बाय डेंसिटी इनटू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगी आपकी, ठीक है। और ये डिक्रीज करेगी तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इन पे छोटे छोटे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड इज मोलिकुलर बॉन्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे लिक्विड जब अब फ्लो करेगा, ये पहली लेयर है, दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। अब देखिए, इसमें एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल है, इनकी आपस में कुछ बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब इसको खींचने के लिए इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रीजन है आपका विस्कोसिटी और जो शियर स्ट्रेस का रीजन है फ्लूइड के केस में, वो आपका ये इनके बीच की बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉन्डिंग अब खुद ब खुद टूटेगी, तो विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ये डायनामिक विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। नेक्स्ट इज रीजन फॉर विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेज इज मॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है। विस्कोसिटी गैसेज में क्या हो, गैसेज में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब रैंडम मूवमेंट होंगे और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट्स इनकी रैंडम और ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब है इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लो का, वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। जनरली जो रफ जो रिलेशन कोरिलेशन दिखाया गया है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी टेम्परेचर का अंडर रूट होता है प्रोपोर्शनल, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी 3/2 पावर होती है टेम्परेचर की, और जहाँ पे टेम्परेचर आपका केल्विन में हो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब सबने देखा जो टाउ है ये आपका शीयर स्ट्रेस है, ठीक है, शीयर स्ट्रेस इन फ्लूइड। म्यू आपका डायनेमिक कॉन्स्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि स्लोप रहता है, जो ग्राफ हमारा बनता है, शीयर स्ट्रेस और du/dy स्ट्रेन के, ठीक है, इनके बीच जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप होता है म्यू, ठीक है। और du/dy बता देता हूँ, जैसे ये आपका सरफेस था, सरफेस से ये आपकी एक लेयर है, ये भी कोई लेयर है, ठीक है। वाई जो डिस्टेंस है आपका सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है, ये u2 है, ये u1 है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, du/dy इज इक्वल टू u2 - u1/y2 - y1, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका y वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस होता है। चलिए देखते हैं, शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सरफेस है अगर वर्टिकली अप जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी लीनियरली इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। लीनियर मतलब ये जो प्रोफाइल आई है, ये वाली, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके लिए आपका tau = μdu/dy है। फॉर स्मॉल गैप,
डी यू बाई डी वाई विल बी इक्वल टू वी बाई वाई, ठीक है। स्मॉल गैप का मतलब है ये इस वाले गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, v by y के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं tau is equal to mu v by y, फोर्स क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा होगा, जो इधर प्लेट का एरिया है जिस एरिया से फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है। जनरली क्या देगा वो आपको, विड्थ दे देगा ये, ठीक है, b मान लो विड्थ दे दी, लेंथ नहीं देगा। अगर लेंथ दे दिए तो ठीक है, नहीं देता है तो जो जिस लेयर के बीच की अगर वो बात करेगा, ठीक है, दो लेयर के बीच में बात होगी तो उनमें से जो लोअर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ले लेंगे। बट ऐसा वो क्वेश्चन करता नहीं है, जनरली आपके पास एक सरफेस आता ही आता है, ठीक है। उस ये सरफेस हो सकता है आपका सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस के फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये कर्व्ड एरिया जो रहेगा वो आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्लैट प्लेट देता है तो आपको एरिया लेंथ इन टू विड्थ निकाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका फोर्स आ जाएगा। अब देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू जो होता है उसके स्टैंडर्ड यूनिट से केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। इसी को अगर आप पॉइज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पॉइज में देते हैं, पॉइज का मतलब है कि ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है। केजी 1000 ग्राम होता है और मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, सिंपल कन्वर्जन है, तो 10 का फैक्टर आपका आ जाता है। तो 1 केजी पर मीटर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। सिमिलर तरीके में काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है म्यू से डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वेयर पर सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो वही है, 1 मीटर स्क्वेयर पर सेकंड इज इक्वल टू 10^4 स्टॉक, स्टॉक का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। चलिए अब देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिन पे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। इन जनरल जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है, टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए इंटू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, रेस्ट पर एन प्लस सम कांस्टेंट बी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फ्लूइड आपके होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला तो आपने न्यूटोनियन फ्लूइड जो आपका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो म्यू आपका, जो कि कांस्टेंट है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है। इस जनरल इक्वेशन की बात करें तो इसमें बी की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 1 है, तो ये जनरल इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आ जाती है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई और ए क्या हो जाएगा आपका म्यू, ठीक है। तो ये आपकी न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन है। अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करें तो एक होता है डायलेटेंट, डायलेटेंट में एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, बी 0 होता है, ठीक है, मतलब कि एकदम ओरिजिन से ही आपका ग्राफ स्टार्ट होता है। और म्यू की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज करती है व्हेन स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड, मतलब कि डी यू बाई डी वाई क्वान्टिटी इसको जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तब आपका म्यू की वैल्यू इंक्रीज करती है। म्यू की वैल्यू क्या देती है आपका, स्लोप देती है, मतलब कि स्लोप यहाँ पे कम था और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही सूडोप्लास्टिक फ्लूड्स होते हैं जिनमें एन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बी इनका भी 0 रहता है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और म्यू की वैल्यू डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ स्लोप ज़्यादा था और यहाँ स्लोप कम हो गया, ठीक है। एक होता है आपका बिंगम प्लास्टिक जिनमें एन की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर ये कांस्टेंट आपका टाउ नोट है, ठीक है, बाकी इनिशियल जो स्ट्रेस है उनको वो चाहिए होता है, ठीक है, इनिशियल शियर स्ट्रेस देने के बाद फिर ये एग्जैक्टली आपका न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इनका भी म्यू कांस्टेंट होता है। चलिए डायलेटेंट का एग्जांपल आपका शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, जितना आप 33 शुगर पानी में मिक्स करेंगे, जितना स्पीड से उसको स्टिर करेंगे उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस शो करेगा। सूडोप्लास्टिक पेंट है, ब्लड है, लिपस्टिक है, इनको जितना तेज आप स्टिर करेंगे उतना ही ये इजीली स्टिर होगा, ठीक है। बिंगम प्लास्टिक टूथपेस्ट वगैरह जेल वगैरह आपके जो है वो सारे बिंगम प्लास्टिक हैं। इसके बाद दो चीज़ और आती है आपकी, रियोपेटिक जिसमें आपका म्यू इंक्रीज करता है, मतलब कि स्लोप इंक्रीज करता है विद टाइम, फॉर एग्जाम्पल जिप्सम इन H2 आपने देखा हुआ, जो वाल पुट्टी वगैरह जो बोलते हैं,
ठीक है, एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, इनमें म्यू आपका विस्कोसिटी डिक्रीज करता है विद टाइम, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आप जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं फ्रीजर से विद द टाइम उस वो फ्लो करने लगती है, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। आइडियल फ्लूड जो होता है वो आपका होता है नॉन विस्कस, मान के चलते हैं कि उसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, और इनकम्प्रेसिबल भी उसको मान के चलते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका मान लीजिए वाटर का सरफेस है, ठीक है, फ्री लिक्विड सरफेस है। अब देखिए दो फोर्सेस होते हैं, एक तो एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव का मतलब है एक मॉलिक्यूल है और एक एक सब्सटेंस का, पहले सब्सटेंस का, और ये मॉलिक्यूल है किसी सेकंड सब्सटेंस का, ठीक है, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन है वो एडहेसिव कहलाता है। और अगर मान लीजिए ये सब पहले सब्सटेंस का ही एक मॉलिक्यूल है और ये भी पहले ही सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, मतलब सेम टाइप का, मतलब कि या तो दोनों वाटर वाटर है, ये ग्लास का हुआ ये वाटर का हुआ, इस टाइप से, तो ये भी अगर वाटर का है ये भी वाटर का है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं उनको कोहेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी एक लिक्विड होगा उसके आपस के मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेज होंगे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल को इस तरफ वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ भी खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो हर इसके हर तरफ जो मॉलिक्यूल है इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। बट ऊपर जो आपका एरिया है इसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है वाटर का, तो एक अनबैलेंस फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी की वजह से आपका सरफेस टेंशन होता है, मतलब कि मान लीजिए कोई एक फिल्म है, पतले सी फिल्म है, फॉर एग्जांपल कोई आप कपड़ा ले लो, चादर ले लो, उसको ऐसे सिंपली पटक दो, बट उसके बाद उसको फोर्स लगा के उसको सीधा करने की कोशिश करो तो मे बी आपका वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो इसमें फिल्म मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसको एज अ सरफेस ट्रीट कर सकते हैं, तो जब आपने इसमें फोर्स लगाया तो आपकी एकदम यूनिफॉर्मली ये स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, और यही इसी स्ट्रेच को जो सरफेस में स्ट्रेच आया है यही आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है। इस केस में आप इस पर कोई लोड वोड डालेंगे तो नहीं झेल पाएगा, इस केस में आप कुछ लोड इस पर डालेंगे, कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्ट, वो झेल लेगा। सिमिलरली जैसे कोई लिक्विड का सरफेस होता है उस पर भी अगर कोई हल्की सी चीज़ आप डालते हैं तो डूबती नहीं है, वो सरफेस पर रुक जाती है, वही आपकी सरफेस टेंशन की वजह से है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मतलब कि स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है। अब इस पे भी क्या हो रहा है, ये अगर मॉलिक्यूल है तो इसको खींचा जा रहा है हर तरफ, ठीक है, तो ऐसे ही पूरे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हर तरफ से अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। उस खिंचाव की वजह से ड्रॉपलेट के अंदर क्या है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और वो थोड़ा ज़्यादा कितना प्रेशर रहेगा, 4 times σ/d, जहाँ पे सिग्मा आपका क्या है, न्यूटन पर मीटर में है, जो कि आपका सरफेस टेंशन डिनोट करता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट्स आपकी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सिग्मा की यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर, और डी आपका डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, बबल का मतलब ये है, थोड़ा सा समझाता हूँ, मान लीजिए ये बबल है, अंदर से खाली है और ये इसका आउटर लेयर है, मतलब कि बीच में एनुलर स्पेस है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो इस तरफ खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है, ठीक है, और ऊपर का भी जो पार्टिकल है वो भी खींच रहा है, ठीक है। तो बबल में क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर जनरेट होगा बबल में एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वो होगा 8 times σ/d, ठीक है। ऐसे ही एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड जेट अगर हम निकालें, मान लीजिए ये कोई पाइप है और इसमें से कोई लिक्विड जेट जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा वो हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी जो आपका स्फेरिकल सर्कुलर इसका बाहर का पैरामीटर है उसमें आपका मॉलिक्यूल खिंचाओगे उसमें होगा, जो आपका इसका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन आ रही होगी, जिसकी वजह से एक्सेस प्रेशर होगा, और ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2 σ/d, ठीक है।
चलिए, एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल इन ट्यूब। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे आपका ये कोई बड़ा सा रिजर्वायर है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें अगर आप एक ट्यूब डिप करते हैं, ठीक है, तो आइदर तो ये लिक्विड राइज कर जाता है, ठीक है, कुछ लेवल राइज कर जाएगा, मान लीजिए एच हाइट है, या फिर ये लिक्विड कुछ लेवल ड्रॉप कर जाएगा, इसमें ये लिक्विड यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये ड्रॉप होता है। तो जैसे ही हमने ट्यूब इंसर्ट करी तो उसमें लिक्विड राइज करेगा या ड्रॉप करेगा वो डिपेंड करता है, अगर एडहेशन फोर्सेस ज़्यादा है, ठीक है, एडहेशन अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है और ये कहीं आपने डिप की हुई है, ठीक है, एडहेशन का मतलब है कि दूसरे पार्टिकल के साथ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो आपका लिक्विड इस तरह से कुछ ऊपर चढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, और ये हाइट आपका राइज हो जाएगी। और अगर आपका कोहेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये मान लो आपकी ट्यूब है, ठीक है, और इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कोहेशन अगर ज़्यादा हुआ तो लिक्विड थोड़ा डाउन आएगा इसमें और इस तरह से आपका फिल कर लेगा, क्योंकि इनका आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो जितना डिप हुआ ये फाल कहलाएगा, ठीक है, दोनों का एच से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो सरफेस टेंशन फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से ये राइज कर रहा है, ठीक है, विल बैलेंस द वेट ऑफ द राइज और फॉल, ठीक है, इस अमाउंट में जितना आपका लिक्विड राइज किया है या फिर इस अमाउंट में जितना लिक्विड आपका फॉल किया है, तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। और हालांकि ये कर्व्ड थोड़ा सरफेस आता है, इस वजह से कुछ एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा एंगल आपका है, ये वाल जो ट्यूब की वाल है और ये सरफेस जो एंगल बनाया ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो गया, ठीक है, तो फोर्स इंटू कोस थीटा, फोर्स क्या होगा आपका सिग्मा इंटू लेंथ, लेंथ क्या होगा जो आपका इसका ट्यूब का पैरामीटर है, ठीक है, इज इक्वल टू रो जी इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर एरिया, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया और जो हाइट राइज या फॉल है वो ये है, तो नेट आपकी हाइट जो है या तो ऊपर आई है या नीचे आई वो क्या होगा, फोर सिग्मा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, ठीक है। अब थीटा क्या था हमारा ये मान लो ट्यूब है और इसमें फॉल हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, इस केस में आपका थीटा की अगर हम बात करें, थीटा हमारा था इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है, तो ये आपका जो थीटा आएगा ये इटसेल्फ आपकी कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कर देगा और हाइट आपकी अपने आप से खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। थीटा इसको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ये 32 डिग्री होता है ग्लास एंड वाटर के लिए और 132 डिग्री होता है ग्लास एंड मरकरी के लिए, इसका मतलब ये है अगर ये नीचे वाला फ्लूड आपका है ये वाटर होगा तो ये राइज करेगा और मरकरी होगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, और 0 डिग्री होता है प्योर वाटर के लिए। एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज बिटवीन फ्लैट प्लेट्स, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लैट प्लेट्स आपकी हैं, इनके बीच में अगर लिक्विड है तो वो कितना आपका राइज करेगा, ठीक है, उसके लिए सेम फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन फोर्स को हम बैलेंस करेंगे वेट ऑफ द फ्लूइड से, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये चाहिए तो आप चैनल के फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मैंने पूरे कंप्लीट डिटेल लेक्चर बना रखे हैं वो आप देख लेंगे, ठीक है। एच इज इक्वल टू सिग्मा कोस थीटा बाय रो जी इनटू टी, टी क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैट प्लेट्स। चलिए तो ये आपका चैप्टर वन जो इंट्रोडक्शन है फ्लूइड का वो खत्म हुआ, जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमने थोड़ी सी देखी, इसके बाद हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे, ऐसे हमारे 9 चैप्टर हैं, 9 वीडियोस में ख़त्म करेंगे। एक जो बेसिक चीज़ है कि लाइफ स्टार्ट्स एट एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, अगर आपको थोड़ी ठंड लग रही है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चाय पीने का मन कर रहा है, बाहर डोलने का मन कर रहा है, इन शॉर्ट पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में मन लग रहा है, तो भाई वो आपका कम्फर्ट जोन है, उसमें आपका शरीर काफ़ी कम्फर्ट में रहता है, तो उससे बाहर आइए, फिर आपको एक्चुअल में फील होगा कि जीवन क्या है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद अलग ही दुनिया आपकी हो जाती है, ठीक है। स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।